हेलो फ्रेंड्स, पीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग टिम्बर के बारे में या लकड़ी के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उस लकड़ी के बारे में बात करेंगे जो नेचुरली पैदा तो नहीं होता, उसका कोई पेड़ नहीं होता, लेकिन उसको जो अवेलेबल टिम्बर है, जो भी टिम्बर जो भी उपजता है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग उसको फैक्ट्रियों में बनाते हैं, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल टिम्बर कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो होता क्या है। अब देखिए, इसको कहते हैं औद्योगिक लकड़ी, या एक्चुअली क्या है अगर किताबी भाषा में बोले तो, औद्योगिक लकड़ी कारखानों में वैज्ञानिक रूप से निर्मित लकड़ी है। इसकी वैज्ञानिक प्रकृति के कारण यह सामान्य लकड़ी की तुलना में मजबूत और टिकाऊ होता है। इसे मनचाहे आकार में बनाया जाता है। अब देखिए, आपको एक चीज़ जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि चूँकि लकड़ी जो है वो तो पेड़ से हमें मिलता है, पेड़ से या टिम्बर से मिलता है, और जो हमें लकड़ियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, दिन प्रतिदिन हमने बहुत ज़्यादा खपत लकड़ियों की करने लगे, और इतना पेड़ तो था नहीं और इतना पेड़ हम काट भी नहीं सकते थे, इसीलिए हमें ऐसी तकनीकों को डेवलप करना पड़ा जिसमें या तो वेस्ट लकड़ी, जो कि जैसे लकड़ी के कारखानों में या जो 100 मिल्स के अंदर जो वेस्ट निकलते हैं, इधर उधर के कटान टूटांग निकलते हैं, उसका इस्तेमाल करके औद्योगिक लकड़ी जो है बना लिया जाता है कई बार। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें थोड़ा रिसाइकलिंग भी हो जाता है, कुछ वेस्ट पदार्थों का इस्तेमाल भी हो जाता है और हमारा काम भी चल जाता है। और जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है कि ये सामान्य लकड़ी की तुलना में मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इसे मनचाहे, और सबसे बड़ी बात है कि इसे जैसा चाहें उस शेप में बनाया जा सकता है, और ये कई तरह के होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के होते हैं। तो औद्योगिक लकड़ी के विभिन्न प्रकार, तो औद्योगिक लकड़ी के जो विभिन्न प्रकार हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये हैं आपके सबसे जो विशेष प्रकार जो है, जिस जो बहुत ही ज़्यादा आपको आगे इस वर्ड का नाम सुनेंगे आप, विनीर्स। तो विनीर क्या है इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग और भी कई तरह के लकड़ियाँ बना लेते हैं, जैसे कि प्लाईवुड हो गया, फाइबर बोर्ड हो गया, इम्प्रेग टिम्बर कहिए, इम्प्रेग लकड़ी हो गया, कंप्रेग लकड़ी हो गया या कंप्रेग टिम्बर हो गया, हार्ड बोर्ड हो गया, ग्लूलैम हो गया, चिप बोर्ड हो गया, ब्लॉक बोर्ड हो गया, और फ्लश डोर शटर्स। तो इन सब में कहीं ना कहीं कई सारे में विनीर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि विनीर्स आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि विनीर्स क्या है। विनीर लकड़ी की पतली परत है जो रोटरी कटर में तेज चाकू से काटने से प्राप्त होता है। तो एक रोटरी कटर होता है जिसमें बहुत ही शार्प ब्लेड लगे होते हैं, और जो हमारा टिम्बर होता है जो हम पेड़ से काट के लाते हैं, उनको उस रोटरी कटर से शार्प तेज चाकू की मदद से पतले पतले सीट में काट लेते हैं। रोटरी कटर में लकड़ी के लॉक को घूमते हुए तेज कटर से पतली चादरों में काटा जाता है। ये पतली चादरों को भट्टियों में सुखाया जाता है, और इन्हीं सूखे हुए लकड़ी की पतली चादरों को विनीर कहते हैं। तो समझ ही गए, इसमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड इत्यादि जैसे विभिन्न लकड़ी के उत्पादों का निर्माण करने के लिए विनीर का उपयोग किया जाता है। तो ये जो पतली सीट जो हम लकड़ियों से काटने में सक्षम हो पाए, यही हमें इंडस्ट्रियल टिम्बर के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देता है, यानी फैक्ट्री में उत्पादित करने वाले जो लकड़ियां हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ये विनीर्स। तब आइए और देखते हैं। देखिए इसको देख सकते हैं आप किस तरह से ये पतले पतले सीट में काटा गया है इसको। तो ये है, चाहे ये है, इसी को विनीर कहते हैं। जब पतली सीटों में रोटरी सॉ से, ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉ चल रहा है, रोटरी सॉ, और ये इस तरह से इसको पतले पतले विनीर्स में, सीट्स में काट के निकाल दे रहा है, और इसको हम लोग एक पे एक रखते जा रहे हैं तो पाइल ऑफ विनीर्स बनता है। तो ये हो गया विनीर्स। तब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है प्लाईवुड। प्लाईवुड जो है ये सबने देखा होगा आप, ये कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा दुर्लभ चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो स्लाइड, ये जो वीडियो है, ये सभी को देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने तरह के बोर्ड, कितनी तरह की लकड़ियाँ, कितने तरह के चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका क्या इस्तेमाल है, ये वीडियो अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा आपको, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई भी हों, साधारण लेमैन भी हों। अब आइए प्लाईवुड का मतलब समझते हैं। प्लाई मतलब पतला, प्लाईवुड एक बोर्ड है जो कि लकड़ी के पतली परतों,
अब लकड़ी का जो पतली परत है उसको क्या कहते हैं, विनीर कहते हैं। तो विनीर को एक के ऊपर एक जोड़ कर प्राप्त किया जाता है। इन परतों को एक के ऊपर एक चिपकाने के लिए उपयुक्त गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने कई तरह के गोंद का आविष्कार कर लिया है, तो लकड़ी के कई सारे परतों को गोंद से चिपका देते हैं तो वो बन जाता है प्लाईवुड। लेकिन जब हम इनको चिपकाते हैं तो इसमें ये ध्यान रहते हैं कि इनका जो फाइबर्स का डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पर रहे, ताकि वो दोनों डायरेक्शन में, जैसे अगर रेसे ऐसे ऐसे हैं तो ये इस डायरेक्शन में स्पैन कर सकते हैं, और अगर रेसे ऐसे ऐसे हैं तो वो इस डायरेक्शन में स्पैन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसे ऐसे रेसे वाले को और फिर ऐसे 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 वाले को एक के ऊपर एक रख दिया तो ये इधर से भी स्पैन कर सकते हैं और ये इधर से भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। अब बनाते कैसे हैं? परतों को गर्म या ठंडे स्थिति में कुछ दबाव के साथ चिपकाया जाता है। गर्म परिस्थितियों में 150 से 200 डिग्री सी तापमान बनाए रखा जाता है, और परतों को दबाए जाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गया, इसको दो तरह से बनाते हैं, या तो ठंडे स्थिति में बना लें या गर्म गर्म स्थिति में। तो ये हो गया गर्म में कैसे बनाते हैं, और अब अगर ठंडे स्थिति में बनाना है तो कमरे के तापमान पर ही परतों को जोड़ने का काम किया जाता है, और मतलब इसमें कोई गर्म उर्म नहीं किया जाता, जो रूम टेम्परेचर है उसी पे काम करते हैं, और 0.7 से 1.4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का दबाव लगाया जाता है। तो ये याद रखिए, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे ये फिगर तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेंगे, और अगर आप इसका जवाब जानेंगे, याद रहेगा तो अच्छी बात है, बट ज़्यादा परेशान मत होइएगा याद करने के चक्कर में इन सब चीज़ों को, बट एक बार आप देख रहे हैं इस वीडियो को इतना काफ़ी है। अब इसके उपयोग के बारे में बात कर ले, प्लाईवुड के बहुत सारे उपयोग हैं। इसका उपयोग दरवाजे, विभाजन दीवारों यानी पार्टीशन वॉल, इसको कहते हैं पार्टीशन वॉल, छत, पैनलिंग दीवारों यानी पैनलिंग वॉल, कंक्रीट आदि के फॉर्म वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्म वर्क होता है ना जिसमें स्लैब व्लैब कास्ट करते हैं, तो उसमें प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, सबको पता है। इसके सजावटी दिखने के कारण इसका उपयोग वास्तुशिल्प उद्देश्यों में सिनेमा घरों, सभागारों, मंदिरों, चर्चों, रेस्टोरेंट इत्यादि जैसी इमारतों के लिए भी किया जाता है। तो ये एकदम शार्प होते हैं, फिनिश्ड होते हैं, एकदम रेगुलर शेप के होते हैं, तो देखने में अच्छे लगते हैं। तो इनका अच्छे लगने वाले जितने भी काम हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लाईवुड का, तो आपको पता ही है। अब ये देखिए कितने तरह के प्लाईवुड आते हैं, कितने इस तस्वीर को देखना, ये कोई नई तस्वीर नहीं है, आपको सब लोगों ने देखा ही होगा, और कई तरह के नए नए तरह के महंगे सस्ते हर तरह के प्लाईवुड मार्केट में अवेलेबल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं फाइबर बोर्ड के बारे में। अब फाइबर बोर्ड कैसे बनता है? फाइबर बोर्ड लकड़ी के रेशों या सब्जी के फाइबर आदि के बने होते हैं। वे कठोर बोर्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, और पुनर्निर्मित लकड़ी यानी रिकंस्ट्रक्टेड वुड के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कुछ लकड़ी के कुछ टुकड़े, कुछ रेशे मिल गए को जोड़ के बोर्ड बना लेना, यानी फिर से लकड़ी को बना लेना, फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देना, इज कॉल्ड फाइबर बोर्ड। रिकंस्ट्रक्टेड रूप में जाने जाते हैं। एकत्रित रेशों को गर्म पानी में उबाला जाता है और फिर उन्हें क्लोज वेसल में स्थानांतरित किया जाता है। फिर कम दबाव वाले स्टीम को वेसल में पंप किया जाता है, जिससे दबाव अचानक बढ़ जाता है। दबाव में अचानक वृद्धि के कारण लकड़ी के रेशों में विस्फोट होता है और प्राकृतिक चिपकाने वाला गोंद फाइबर से अलग हो जाता है। तो गोंद जब फाइबर से अलग हो गया तो सारे फाइबर अलग अलग हो गए। फिर उन्हें साफ़ करने के बाद उनको धो लिया जाता है, साफ क्लीन कर लिया जाता है, ताकि जो नेचुरल ग्लू है वो निकल जाए। उनको लूज सीट के रूप में वायर स्क्रीन पर फैला दिया जाता है। वायर का माने तार का जो जाली होता है उसके ऊपर उनको लूज सीट के रूप में फैला दिया जाता है, और फिर इनको स्टील प्लेटों के बीच दबाया जाता है, जिससे फाइबर बोर्ड प्राप्त होते हैं। कंस्ट्रक्शन उद्योग में कई उद्देश्यों के लिए फाइबर बोर्ड का उपयोग किया जाता है, जैसे दीवार पैनलिंग, छत विभाजन, फ्लश दरवाजे, फर्श सामग्री आदि। इन्हें ध्वनि इंसुलेशन सामग्री के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो फाइबर बोर्ड की तो ये जानकारी हो गई, इनको बनाया कैसे जाता है, इनको प्रेस करके जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको और अच्छी तरह से उसके रेशों को अलग कर लिया जाता है गर्म करने के बाद और प्रेशर डालने के बाद, और फिर इसका हम लोग
इस्तेमाल क्या करते हैं, एक बार इसकी तस्वीर देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसे ही कहते हैं हम लोग फाइबर बोर्ड। तो फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, ये कमज़ोर और मजबूत हर श्रेणी में आते हैं। तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरह के फाइबर बोर्ड हमें ज़रूर मार्केट में मिल जाएगा और हम उस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। हर फाइबर बोर्ड का कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कुछ फाइबर बोर्ड ऐसे होते हैं जो पानी से जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस तरह के बोर्ड की ज़रूरत है। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है इम्पर्ज टिम्बर। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं पहले। इम्पर्ज टिम्बर एक लकड़ी है जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से रेजिन, रेजिन मतलब लार या चिपचिपा पदार्थ, आंशिक रूप से रेजिन के साथ लिपटा होता है। लकड़ी के या विनीर की पतली परतों को रेजिन सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रेजिन फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड है। तो देखिए, ये पहले तो विनीर या पतली परत को क्या करते हैं, किसी रेजिन में डुबा के पूरा उसको इंसुलेट कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो लकड़ी की परत है, पतली शीट है, वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा उसमें और भी बहुत सारे गुण आ जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। रेजिन लकड़ी में उपस्थित वॉइड्स को भर देता है, जिससे एक संगठित पदार्थ बन जाता है। मतलब वॉइड्स भर गए यानी खाली जगह बढ़ गया, तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। फिर इसे 150 से 160 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है, और आखिरकार इम्पर्ज टिम्बर का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले क्या किया, उसको लकड़ी के शीट को लिया और उसको रेजिन में लगा दिया उसके ऊपर, या रेजिन में डाल दिया, फिर उसको गर्म किया, तो हमें बन जाता है इम्पर्ज टिम्बर। यह बाज़ार में विभिन्न नामों जैसे सन ग्लोस, सनमाइका, फॉर्माइका इत्यादि के रूप में उपलब्ध है। तो जो सनमाइका, जो आप सब लोग जानते ही होंगे सनमाइका, तो ये सनमाइका कुछ नहीं है, इट्स ए टाइप ऑफ इम्पर्ज टिम्बर। तो अब आपके दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इम्पर्ज टिम्बर नमी, मौसम, एसिड या बिजली का एक अच्छा प्रतिरोधक होता है। मतलब इसमें जो है पानी वानी से कोई दिक्कत नहीं है, मॉइस्चर से कोई ख़राब नहीं होता, ये मौसम के चेंज होने से भी इस पर कोई असर नहीं होता। एसिड रेजिस्टेंट और इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रतिरोधक तो होता ही है। यह मजबूत, टिकाऊ और सुंदर दिखता है। इसका उपयोग लकड़ी के मोल्ड, फर्नीचर, सजावटी उत्पादों आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो ये है इम्पर्ज टिम्बर, जैसे कि सनमाइका। मेन इसमें यही था कि उसको रेजिन में डुबा के उसको इंसुलेट कर दिया जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से सनमाइका के अलावा और भी कई तरह के इम्पर्ज टिम्बर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो कि इंसुलेटेड होते हैं। अब आते हैं इम्पर्ज के साथ साथ एक और टिम्बर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपर्ज टिम्बर। तो यह इम्पर्ज टिम्बर के समान ही होता है, इम्पर्ज टिम्बर के समान ही होता है, लेकिन संगठित करने के कारण प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, संगठित करने के लिए प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको कंसोलिडेट, एक दूसरे से चिपकाने में इसको दबाव दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, इसलिए यह इम्पर्ज टिम्बर की तुलना में अधिक मजबूत हो जाता है। तो प्रेशर से दबाने से क्या होता है कि और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और इसके मजबूत हो जाने से और ज़्यादा हमें फायदा होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 से 1.35 के बीच में होती है। तो ये देख लीजिए कितना ज़्यादा डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मजबूत होता है। तो कंपर्ज टिम्बर जो है इम्पर्ज टिम्बर से मजबूत होता है। और ये देखिए, कुछ इसके पिक्चर्स हैं कंपर्ज टिम्बर के, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं हार्ड बोर्ड के बारे में। तो हार्ड बोर्ड आमतौर पर 3 मिलीमीटर मोटा होता है, और लकड़ी के लुगदी से बना होता है। लुगदी क्या होता है, लुगदी मतलब पल्प। लकड़ी के लुगदी को ऊपर के दबाव का इस्तेमाल करके उसे ठोस बोर्ड में परिवर्तित किया जाता है। बोर्ड की ऊपरी सतह चिकनी और कठोर होती है, जबकि नीचे की सतह रुखरा होता है। हार्ड बोर्ड आमतौर पर निम्नानुसार 3 प्रकार के रूप में वर्गीकृत हैं, माने 3 तरह के हार्ड बोर्ड हैं, मीडियम, नॉर्मल और टेम्पर्ड, 3 तरह के हैं। और जो मीडियम है उसका 480 से 800 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है, केजी पर मीटर क्यूब, इस यूनिट पर जरूर ध्यान रखिएगा। और ये अवेलेबल थिकनेस है 6, देखिए, मिलीमीटर। हमेशा कोई भी चीज़ देखिए तो यूनिट जरूर देखिए, ऐसे नंबर याद मत करिए। 6 mm भी मिलेगा, 6, 8, 10, 12 mm अवेलेबल है मीडियम टाइप का, जो हार्ड बोर्ड है। उसी तरह नॉर्मल टाइप का है, वो 800 से 1200 इसका डेंसिटी होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो ये डेफिनेटली इससे ज़्यादा, मीडियम से ज़्यादा मजबूत होंगे। और ये जो डिफरेंट थिकनेस 3, 4, 5, 6, 9, 12 के थिकनेस में मिलते हैं,
और उसके बाद जो होता है टेम्पर्ड, जैसा आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर सुना होगा टेम्पर्ड ग्लास का इंसुलेशन किया जाता है, उसी तरह ये टेम्पर्ड टिम्बर्ड होते हैं जिसका डेंसिटी 1200 केजी पर मीटर क्यू से भी ज़्यादा होता है, और जो 3, 4, 5, 6, 9, 12 के थिकनेस में, मिलीमीटर के थिकनेस में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो ये बहुत बड़ी अच्छी जानकारी है। हार्ड बोर्ड भी एक तरह का है, आपके रिक्वायरमेंट में काम आ सकता है। और ये है हार्ड बोर्ड, देख लीजिए। तो मुझे जो लगता है कि जो हमारे घर में जो पेंटिंग या तस्वीरें टंगी होती है उसके पीछे जो कवर किया जाता है, शायद यही है, वही हार्ड बोर्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं होता, लेकिन हाँ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम होते हैं लकड़ी, जो जो इतने ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ डेफिनेटली ये हार्ड बोर्ड हमारे काम आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्लूलेम की। अब ग्लूलेम का मतलब है चिपका हुआ और परतदार लकड़ी, यानी पतले पतले लकड़ी को चिपका दीजिए ग्लू से तो वो ग्लूलेम हो गया। तो अब पतली लकड़ी का मतलब होता है विनीर, जो कि हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था। तो विनीर के सॉलिड परतों को आपस में चिपका कर सीट बनाया जाता है। अब इन सीटों के ऊपर उचित रेजिन की परत चढ़ा दी जाती है। रेजिन मतलब चिपचिपा पदार्थ, लाड़, राल। तो ऐसे हमें बन जाता है ग्लूलेम। इस प्रकार की सीट रासायनिक कारखानों, खेल स्टेडियम में लॉन्ग स्पैन की छतों, लॉन्ग स्पैन की छतों का मतलब जिसमें कॉलम, जो खाली स्थान का जो कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हो, लॉन्ग स्पैन 10 मीटर हो, 12 मीटर हो, तो इसको कहते हैं लॉन्ग स्पैन की छतों। जहाँ पे बीम का जो स्पैनिंग करने का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इंडोर स्विमिंग पूल इत्यादि के निर्माण में बहुत उपयुक्त है। घुमावदार लकड़ी की संरचनाएं भी ग्लूलेम सीटों के उपयोग करके बनाई जा सकती है। घुमावदार सीट मतलब अगर मुझे मान लीजिए ऐसा सीट चाहिए राउंडेड शेप का, तो ये हम पतली पतली परतों को मोर, पहले ही मोर के उस पर ग्लू लगा के मोर के हम लोग राउंडेड शेप के टिम्बर को भी बना सकते हैं। इसीलिए ये ग्लूलेम काफ़ी उपयोगी होता है। अब हम देखते हैं इसके पिक्चर्स, तो आपको पता चल जाएगा कि ये और कितना उपयोगी है और कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है इसका। ये देखिए काफ़ी मजबूत होते होंगे, इसका बीम का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सब 7 सीट हैं, 7 लकड़ी हैं, उनको जोड़ के चिपका के कितना बड़ा बीम बना दिया गया है। इसी तरह इसमें भी है, इधर एक इधर से चिपकाया गया, एक इधर से चिपकाया गया, ऊपर से नीचे से, फिर बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेयर हैं। तो इस तरह से हमने विभिन्न लकड़ियों को चिपका के परत बाई परत उसको हम लोग बना लेते हैं ग्लूलेम। और अगला जो है उसको हम लोग कहते हैं चिप बोर्ड। चिप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। तो चिप बोर्ड एक अन्य प्रकार के औद्योगिक लकड़ी है जो लकड़ी के कणों या चावल के भूसी, राख या बैगेट से बने होते हैं। इन्हें कुछ समय के लिए रेजिन में घुला दिया जाता है, रेजिन मतलब चिप या केमिकल, और फिर उसे गर्म कर किया जाता है, उसको गर्म करते हैं, उसके बाद इसे दबाव डालकर बोर्ड बना लिया जाता है। इन्हें पार्टिकल बोर्ड भी कहा जाता है। पार्टिकल बोर्ड का नाम सुना ही होगा। लकड़ी के छोटे छोटे कण टुकड़े को मिला के, उसको किसी एक केमिकल में मिला के, रेजिन में मिला के, उसको गर्म करके बोर्ड बना लिया जाता है, और ये बन जाता है ऐसा। ये भी कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। तो इसका भी इस्तेमाल है, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ लकड़ी की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है तो हमें थोड़ा पैसे बच जाते हैं। उसके बाद जो है ब्लॉक बोर्ड, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है आज के डेट में, जो मोटी मोटी सीटों की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ब्लॉक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पढ़िए। ब्लॉक बोर्ड एक बोर्ड है जिसमें लकड़ी के स्ट्रिप्स से बने कोर होते हैं। लकड़ी के स्ट्रिप्स आमतौर पर टिम्बर कन्वर्जन के दौरान बचे हुए टुकड़ों से प्राप्त की जाती हैं। टिम्बर कन्वर्जन का मतलब जब हम लोग पेड़ काट के सॉ मिल में लाते हैं और उनको शेप में जब कन्वर्ट करते हैं तो कई सारे उसमें टुकड़े बच जाते हैं, उन टुकड़ों को ही हम लोग कोर में, इस टुकड़ों के इस्तेमाल करके हम लोग ब्लॉक बोर्ड बनाते हैं। इन स्ट्रिप्स को चिपका दिया जाता है और ठोस रूप में बनाया जाता है, हमने एक दूसरे से चिपका के ग्रूव लगा के ठोस बना दिया जाता है। इस ठोस कोर को कवर करने के लिए ऊपरी परत के रूप में फिर से विनीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विनीर एक कितना बड़ा आविष्कार है जो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ रहा है। विनीर का उपयोग किया जाता है। कोर की चौड़ाई 25 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोर की चौड़ाई 7 मिलीमीटर से कम है तो इसे लैमिन बोर्ड कहा जाता है। चलिए अब ये तो समझ में आ गया कि अगर दो विनीर के बीच में जो कोर है उसमें जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है अगर उसकी चौड़ाई 7 मिलीमीटर से कम है तो उसको लैमिन बोर्ड कहेंगे, 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उसको ब्लॉक बोर्ड कहेंगे।
ब्लॉक बोर्ड आमतौर पर विभाजन पैनलिंग, समुद्री और नदी शिल्प, रेलगाड़ियाँ आदि के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा टफ हिंदी है, तो आप एक बार दो बार पढ़ के हंसिए और याद कर लीजिए स्लाइड को रोक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ब्लॉक बोर्ड की कुछ तस्वीरें, अब देख के आपको क्लियर हो गया। ज़्यादातर दरवाजे या मोटे जो प्लाईवुड जो हम लोग कहते हैं साधारण भाषा में, मोटा जो प्लाईवुड 1 इंच 1.5 इंच का जो होता है, वो एक्चुअली प्लाईवुड ना होके वो होता है ब्लॉक बोर्ड। तो आज के बाद आप एज ए इंजीनियर हैं तो उसको ब्लॉक बोर्ड कहिए, या आज आपकी जानकारी बढ़ गई है तो आप उसको मोटे वाले प्लाईवुड को जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ के बनाया जाता है, उसको आज से आप ब्लॉक बोर्ड कहना शुरू करिए। उसके बाद आता है फ्लश डोर शटर्स। तो कारखानों में बने फ्लश दरवाजों का इस्तेमाल आजकल व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। वे आमतौर पर 25 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर या 35 मिलीमीटर मोटाई के साथ उपलब्ध होते हैं। कारखानों ने फ्लश बोर्ड शटर को विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सेलुलर कोर, खोखले कोर, ब्लॉक बोर्ड कोर इत्यादि। तब हिंदी लिखने में थोड़ी सी इसमें गलती हुई है, बस इतना समझ लीजिए कि रेडीमेड दरवाजे फ्लश डोर उसको बोलते हैं, जो कि कारखानों में बना दिया जाता है और उनके डिजाइन को बनाने के लिए उन पर प्रेशर डाल के जैसा डिजाइन चाहिए वैसा बना के रेडीमेड मिलता है। और उन दरवाजों का इस्तेमाल आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में या ऑफिसों में, वो काफ़ी देखने में सुंदर होते हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह के डोर्स होते हैं जिसके अंदर के जी कुछ कुछ चीज़ों को हमने दिखा दिया है। तो आप देख के इसमें किस तरह डिज़ाइन बनाया गया है। तो इसमें भी आगे पीछे विनीर चिपकाया दिया जाता है, विनीर हो चिपकाते हैं, उसके अंदर की जो संरचना है उसके बारे में फीड फिगर बता रहा है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़बरदस्त लगा होगा, क्योंकि इसमें जो जानकारी है ये काफ़ी अच्छी जानकारी है, जो कि हर इंसान के पास ये जानकारी होनी चाहिए। तो आज आपको लकड़ी और टिम्बर के बारे में बहुत काफ़ी नॉलेज हो गया। जब आप अभी कभी अपने घर में काम कराएंगे, कहीं कराएंगे, तो इन सारे इन्फॉर्मेशन का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। आप बहुत सारा गेम प्ले कर सकते हैं इतनी नॉलेज होने के बाद। और आपके एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जामिनेशन एस्पिरेंट हैं, तो डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन तो इस वीडियो से आएगा ही आएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने किसी फ्रेंड को शेयर करिए, और जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पहुंचाने में मदद करिए चैनल की। ज़्यादा हो गया तो 1 लाख सब्सक्राइबर तक हमें जल्दी से पहुंचाइए, इसके लिए आपकी मदद चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए लोगों से, लोगों को चैनल के बारे में बताइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।